कहने बताने और समझाने का मतलब यह है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मजे कर रहे होंगे। आखिरी अशरा हो चुका है रमजान का और रमजान बहुत ही जल्दी गुजरा है, तो कहने बताने और समझाने का मतलब ये है कि वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने कल रात ये वीडियो, बेसिकली जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वीडियो है, इट्स नॉट रिलेटेड टू फिटनेस, इट इज़ रिलेटेड टू फिटनेस, बट कहने बताने और समझाने का मतलब ये है कि एज़ यू गाइज नो, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं दे ऑलरेडी नो कि मुझे दो ही चीज़ों का शौक है, तेज़ इंसान और तेज़ गाड़ियों का। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसकी वजह से आई एम ऑलवेज इन टू जिम और इन टू वर्कशॉप। तो आज कल रात को, इफ़ यू गाइस नो, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने कल रात ही एक पोल डाला था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ के बारे में हो, तो मोस्टली लोगों ने कहा गाड़ियों और बाइक्स के बारे में हो। तो ये व्लॉग जो है वो रिलेटेड टू कार्स एंड बाइक्स है। थोड़ा सा सीन अभी ऐसा है कि मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से वन स्टॉप परफॉर्मेंस शॉप, और वन स्टॉप परफॉर्मेंस शॉप कहाँ है, और मुझे ये देखें आबाद भाई का ही फ़ोन आ रहा है फ्रॉम वन स्टॉप परफॉर्मेंस शॉप, मगर अभी हम नहीं उठा सकते क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो नहीं रुकी होगी क्योंकि मोबाइल का मोस्ट तरफ है, मुझे नहीं पता है क्या सीन है। खैर, अब हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे वन स्टॉप परफॉर्मेंस शॉप और जाके हम मिलेंगे आबाद भाई को वहाँ पे, क्योंकि मैंने उनको कहा है कि यार अपना यूट्यूब ऑन करें। आबाद बेसिकली चौधरी आबादुररहमान बहुत ही पुराना खिलाड़ी है इस रेसिंग फील्ड के अंदर, और मैंने उनको कहा है कि यार यू गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज, लोगों की हेल्प करें क्योंकि लोगों को फ्रॉड और स्कैम इतने ज़्यादा मार्केट के अंदर होते हैं, तो व्हाई डोंट यू कम एंड हेल्प अदर पीपल वाया यूट्यूब। तो लेट्स गो। बट उसको उधर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल PR पैकेज कह लें या वो ब्रदरहुड पैकेज कह लें फॉर द ईद। तो जी, कहने बताने और समझाने का मतलब ये है कि OMs वालों ने एक खूबसूरत सी ब्लैक कलर, बिकॉज दे नो आई लव ब्लैक, तो उन्होंने ब्लैक कलर की मुझे एक अदद शलवार कमीज भेजी है, और साथ उन्होंने मुझे लिख के भेजा है एडवांस ईद मुबारक बेस्ट फिट फिटनेस ट्रेनर इन द वर्ल्ड। और थैंक यू सो मच उसामा, really loved it, and definitely जो लोग भी ये vlog देख रहे हैं और if they want shalwar kameez for their Eid, तो go and check out their website, I'm gonna link it down, link down कर दूंगा मैं उनकी website का, आप जाएँ जाके देखें और मुझे फिर बताएं कि आपको कैसी लगी है। चलें, अब time नहीं ज़ाया करते क्योंकि अगर मैंने और मज़ीद time ज़ाया किया तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा, तो let's go and visit one stop performance shop 2000 years later। तो जी, हमने निकाल लिया है स्मर्फ को बाहर क्योंकि हम वन स्टॉप तो जा ही रहे थे। मैंने कहा जरा इसको भी वॉश वूश करा लेते हैं, गंदी बड़ी हुई भी है। लेट्स गो। भाई इस गाड़ी का जो मजा है ना, वो नहीं मिल सकता किसी और गाड़ी। और अगर सो वी आर एट वन स्टॉप परफॉर्मेंस शॉप, और वन स्टॉप परफॉर्मेंस शॉप इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस पार्ट शॉप। और आज हमारे साथ आबाद भाई भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, और मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं आबाद भाई, फिट हैं, खैर खैरियत से हैं, सब कैसा चल रहा है, फिट? बिल्कुल, मैं आपसे बात करता हूँ, पहले मैं जरा बॉयज को एक राउंड करवा दूँ वन स्टॉप का।
तो बॉयज ये जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ ये लोग पीपीएफ करते हैं, सरामिक कोट करते हैं, डिटेलिंग करते हैं। सब ये गाड़ी खड़ी हुई है, देन ये RX-8, दिस RX-8 वर्सेस स्मर्फ इज ऑन सैटरडे नाइट। आई डोंट नो ये अभी क्लियर किया कि नहीं की, बट अगर यू गाइस आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने सैटरडे को इसके डॉग मारे थे। ये गाड़ी इसको छोड़ दें बिल्कुल। सो नाउ डेज बहुत ज्यादा लोग ये नई गाड़ियों पे पीपीएफ करवाते हैं और ये सेरेमिक कोटिंग कराते हैं, तो आज हम आबाद भाई से पूछेंगे कि एक्चुअली इस पीपीएफ का, ग्लास कोटिंग का, डिटेलिंग का सीन होता क्या है। तो लेट्स गो एंड टॉक विद हिम। जी वी आर हेयर विद आबाद भाई। तो आबाद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? मजे में? कैसे जा रहा है रमजान आपका? रमजान अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हर साल अच्छा जाता है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो आबाद भाई आज मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछने हैं रिगार्डिंग द पीपीएफ एंड डिटेलिंग थिंग। अभी हम मॉडिफिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये कार डिटेलिंग और जो होता है कोटिंग वगैरह होती है इसके ऊपर रहेंगे, सेरेमिक कोटिंग के ऊपर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप मुझे बताएं कि व्हाट इज सेरेमिक कोटिंग? सेरेमिक कोटिंग क्या होती है? इजी वर्ड्स में ब्रीफ, इजी वर्ड्स, यस इजी वर्ड्स, अपने बॉयज देखने वालों को जरा इजी समझ में आए। वैसे तो इनको सब पता है मगर फिर भी आप बता दें। सेरेमिक कोटिंग बेसिकली जो होती है ना, एक लिक्विड प्रोडक्ट होती है। इसको आसान वर्ड्स में समझाना हो तो इस तरह से कहा जाता है कि ये जब गाड़ी पेंट करवाओ तो आपने कभी पेंट करवाया ही होगा, उसके ऊपर एक लैकर की वो एंड पे कोट करते हैं, पेंट के ऊपर लैकर लगता है, ठीक है। तो लैकर की प्रो फाइन फॉर्म है सेरेमिक कोटिंग। जिस तरह पेंट पे एक लैकर की लेयर आती है, उस तरह लैकर के ऊपर सेरेमिक कोटिंग की लेयर आ जाती है। लिक्विड प्रोडक्ट होती है, इसे बाय हैंड इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। और एक, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे इसके अंदर जो मेजर एक चीज पता करनी है ना, मुझे बताएंगे इसकी प्राइस ब्रैकेट क्या है, क्योंकि बाहर आजकल लोग जो है ना वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव भी बेच रहे हैं, बहुत बहुत चीप भी बेच रहे हैं। तो आपके ख्याल से एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट किस प्राइस रेंज के अंदर होनी चाहिए? अब बेसिकली और कौन सा ब्रांड होना चाहिए, लाइक व्हाट ब्रांड यू सजेस्ट कि अगर लोग देखने वाले अगर सेरेमिक कोटिंग की तरफ जाएं तो व्हाट ब्रांड शुड दे शुड गो फॉर? कुछ ब्रांड्स इस तरह के हैं वर्ल्ड वाइड वो फेमस बहुत हैं, इस वजह से उनकी प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान में भी उनके डीलर बैठे हुए हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन जो अच्छी प्रोडक्ट है, जो प्रॉपर काम करती है, आपको अच्छा रिजल्ट देती है, वो आपको अराउंड 25,000 से 35,000 के इन बिटवीन आपको मिल जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आप 15,000 से नीचे आते हैं इनके, तो वो आपको फिर चाइनीज प्रोडक्ट मिलता है सारा, 18,000 से नीचे, 15,000 से नीचे सारा चाइनीज प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो वो इस असल में ना इस मार्केट में गैप बहुत ज्यादा और इस मार्केट में झूठ बहुत ज्यादा, झूठ बहुत, ठीक है। लोग बहुत ज्यादा आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, आपको बहुत गलत व्यूज दिखाते हैं, बेसिकली उसके बिल्कुल उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के व्हाट इज पीपीएफ? पीपीएफ क्या है जी? पीपीएफ बड़े लोग करवा रहे हैं आजकल, आप नई गाड़ियों पे देखते हैं लोग करवाते हैं, तो आप जरा इस बारे में थोड़ा। पीपीएफ हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गाड़ियों पे कर रहे हैं और कर चुके हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गाड़ियां जी, और 2018 में हमने पीपीएफ फर्स्ट टाइम लेके आए थे, ठीक है। तब लोगों को हमें समझाने में बड़ी मुश्किल हुई थी कि ये क्या चीज है, मैं भी तो कुछ क्लाइंट्स कहते थे बड़ी एक्सपेंसिव आइटम है, नहीं आप बस सेरेमिक कोटिंग कर दें, वेल एनफ हमारे लिए, हम काफी है इतना, ठीक है। तो लेकिन अब टाइम के साथ गाड़ियां भी क्योंकि बहुत महंगी हो गई हैं, अब लोग कहते हैं यार पैसे खर्च लें अपनी गाड़ी। तो पीपीएफ जो है ना, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है, ये आपकी गाड़ी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। और ये आप समझ लें कि फाइनल सोल्यूशन है आपकी गाड़ी की प्रोटेक्शन का, ठीक है। इसके बाद आपको किसी किस्म की प्रोटेक्शन की, किसी किस्म की, किसी लेयर, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आपकी गाड़ी स्टोन चिप से महफूज है, यहाँ तक के कि अल्लाह ना करे, लेकिन आप रोड पे गाड़ी तो चलाते हैं ना, रोड पे चीज निकलती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बिल्कुल। तो बाइक आके भी हिट होता है आपकी गाड़ी के अंदर, तो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म में स्ट्रेच इतनी अच्छी होती है, जो अच्छी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है वो आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट, बाइक के एक्सीडेंट से ही बचा लेती, पेंट डैमेज नहीं होता, डेंट आता है वो वैसे ही निकल जाते हैं। फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो और पीपीएफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे अच्छी आइटम है इस टाइम, ठीक है। ट्रांसपेरेंट शीट होती है, आपकी पूरी गाड़ी पे इंस्टॉल हो जाती है, जैसे मोबाइल पे कवर्स लग जाते हैं, ठीक है। और इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर सेम चीज रिपीट करूंगा, चाइनीज प्रोडक्ट और कुछ अच्छे ब्रांड, बिल्कुल ऐसे ही है, डिफरेंस है और प्राइस रेंज। और आप बताएं कि आप
इस वक्त किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर पीपीएफ लोगों को करके देते हैं, मतलब व्हाट इज योर प्राइस ब्रैकेट, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आएंगे और आएंगे तो वो आपसे क्या प्राइस ब्रैकेट में आप पीपीएफ और गाड़ी सिरेमिक कोट और डिटेल करते हैं। अब बेसिकली जो सिरेमिक कोटिंग हम स्टार्ट करते हैं वो 18,000 से करते हैं, उसके बाद हम 25,000 और फिर 35,000 का हमारा पैकेज है। परफेक्ट, ये अराउंड 5 इयर्स लाइफ होती है इसकी। ठीक है डिपेंड्स ऑन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप हमसे एवरी 3-4 मंथ बाद एक विजिट करते रहे, हमसे मेंटेनेंस करवाते रहे। दूसरी चीज आ जाती है पीपीएफ। पीपीएफ जो है वो 1,15,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है इनके यहाँ से हमारा स्टार्टर पैकेज है। 3M में आता है स्कोच गार्ड, फिर 4 प्रो, ये टॉप ऑफ द लाइन है, वो भी हमने यूज किया। तो हमें सारी एक प्राइस ब्रैकेट्स का भी इसका आइडिया और उसके अलावा हमें क्वालिटीज का भी आइडिया। अच्छा जाने, ये तो मैंने आपसे दोनों चीजें पूछ ली हैं जो मेरे माइंड में थी। मैंने कहा मैं लोगों को भी बता दूं कि मेरे माइंड में ये दो चीजें थी, मैंने आपसे पूछ लिया बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। एक कोई प्रोफेशनली कोई बात आजकल की कार कम्युनिटी को अगर आप पहुंचाना चाहते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म यूट्यूब, तो व्हाट विल बी योर वन? गाड़ियां बहुत महंगी हो गई हैं। वो तो सबको पता है, कोई ऐसी कोई मोटिवेशनल आप बताएं उनको कोई बात के जिससे जो कार कम्युनिटी है आपको पता है कि आप कार कम्युनिटी में कितने टाइम्स हैं और उसके बाद आपने पूरा एरा चेंज होते देखा है। कहां से वो मेन बुलेवार्ड पे रेसें होती थी और फिर कहां से करते 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 अब आप राया चले गए हैं, तो इसके बीच में सारा आपने देखा तो है। तो आप कार कम्युनिटी को अगर कोई एक मैसेज देना चाहें तो व्हाट विल बी योर मैसेज, क्या मैसेज होगा? मैसेज यही है कि भाइयों दोस्तों, चीजें महंगी होती रहनी है और अभी और भी महंगी होनी है। बस दिल नहीं हारना, दिल छोटा नहीं करना। गाड़ियों का शौक हमें है वो हमने पूरा करना ही करना है, और आपने भी करना है इंशाल्लाह, मिलके करेंगे सारे। बिल्कुल ऐसे ये तो चलता ही रहना। देखें शौक मरता नहीं है, नहीं मरता, शौक आपको खुद स्टैंड करता है। बिल्कुल ऐसे शौक के पीछे आप मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और सारे काम हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर आपका शौक मर जाए तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ मशवरा ये है अपना शौक नहीं मरने देना। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हमारी बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है बाद भाई के साथ, और अब हम आज की इफ्तारी आप हमारे साथ करेंगे। आपको पता हम स्पेशली यहाँ कुकिंग भी कर रहे हैं, स्पेशल रेसिपी भी है, तो आज हम चलते हैं और बाद भाई के साथ इफ्तारी भी करते हैं, देखते हैं ये हमें क्या बना के खिलाते हैं। तो लेट्स सी। सियाज भाई कैसे हैं आप? ठीक है, कर करिए से मजे में फिट है सियाज भाई? ये कोई महीने बाद निकाली आज गाड़ी और इसको जरा सेट वेट कर दें और बता दें कि वन स्टॉप से अच्छी डिटेलिंग कोई नहीं कर सकता इस वक्त टाउन में। ठीक है, ओके जी, आ जाए फिर हम देखते हैं सिनेमैटिक शॉट्स आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू वॉश अ कार एट वन स्टॉप परफॉर्मेंस शॉप। जेजी की मिसिंग तो क्लियर कर लो पहले, पीछे जा रहा हूँ पीछे। निशान भाई क्या हाल है आपके भाई? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये गाड़ी खड़ी है, दिस इज अ कार, और एक ये गाड़ी खड़ी है। ओके, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स यस फाइनली फयाज ने गाड़ी का बोनट खोल लिया है और बेहतरीन सीन है। अब देखते हैं कि हम इसमें से क्या और निकाल सकते हैं। सो गाइस द वीडियो कम्स टू एंड, अभी गाड़ी के काम शाम चल रहे हैं, बट सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। मुझे दें इजाज़त, आज है थर्सडे
और हमारी रेस का सीन है सैटरडे को, तो सी यू गाइस ऑन सैटरडे। अब व्लॉग ऑलमोस्ट रेगुलर ही आएंगे क्योंकि मैं थोड़ा फ्री हूँ, और बाकी भी स्टोरी आपको बताई जाएगी कि क्या स्टोरी है। तो सी यू गाइस इन अनदर वीडियो, राइट, बाय। और अगर आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो भाई जल्दी, टाइम नहीं ज़ाया करना, फ़ौरन जाना है और जाके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।